खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं शिवांगी आनंद भारती स्कैमेट वेदर रिपोर्ट के साथ। आज देश के मध्यम और दक्षिण भारत में मौसम गर्म और सूखा रहेगा। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश के साथ गर्जना देखने को मिलेगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकल जाने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ इन शहरों में सुबह और दिन के तापमान नीचे गिरेंगे। वहीं चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, दिल्ली, बीकानेर, अलवर, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में उत्तरी हवाएं चलने के कारण सुबह और दिन के समय तापमान 2 से 3 डिग्री नीचे गिर सकते हैं। लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। वेदर सिस्टम्स के चलते जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूचबिहार, पूर्णी और भागलपुर में गर्जना के साथ बारिश देखने को मिलेगी। वहीं बीरभूम, बांकुरा, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, बाड़ीपाड़ा और केयूंझरगढ़ के कुछ जगहों पर बारिश के साथ बिजली गर्जने की भी उम्मीद है। कलकत्ता में कल से यानी कि अप्रैल 1 से अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम गर्म रहेगा। वहीं मुंबई में मौसम गर्म और उमस भरा होगा। दक्षिण भारत में सर्कुलेशन उत्तरी कर्नाटक पर बना हुआ है और यहीं से एक ट्रफ रेखा केरल तक जा रही है। इन सिस्टम्स के चलते केरल और कर्नाटक के एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। हैदराबाद में थंडर क्लाउड्स देखने की संभावना है। वहीं तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी भागों में लू का असर दिखाई पड़ेगा। चेन्नई में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। स्कैमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही।